सो हाई गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम अर्शन, यू वॉचिंग मोटर डिटेल। तो बिना किसी तरीके आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग अपने स्कूटर के ऊपर है। काफ़ी लंबे समय के बाद अपना स्कूटर बाहर निकाला, 20 दिन हो गए मैंने इसको चलाया तक नहीं, स्टार्ट तक नहीं करा। आज स्टार्ट करा है, निकाला इसको, जैसे चकाचक खड़ा करा था कवर के अंदर वैसे ही चकाचक निकला है। तो आगे के कुछ प्लान्स हैं इसके साथ। आज मैं इसमें थोड़ा बहुत वर्क कराता हूँ। इसमें जो है थोड़ी मिसिंग प्रॉब्लम आज पता नहीं क्या हो गया, तो उसको पहले चेक कराते हैं, फिर आगे के जैसे प्लान्स रहते हैं वैसे आपके साथ दिखाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। और हाँ, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पता चले क्या माल मसाला आज मैं करने जा रहा हूँ उसके साथ। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो ये देखिए अपना स्कूटर काफी समय के बाद चैनल पे आ रहा है अपना। ये क्या हो गया भाई, मुझको अब वो फील आ नहीं रही। अब मैं कुछ इसके साथ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, तो अब मामला होगा। इसकी लाइट देखो भाई, टूट गई थी यार, पता नहीं कैसे हो गया। टायर अपना डल चुका है पीछे का, शायद किसी को पता भी ना चला हो कि कब टायर चेंज हुआ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कलर अजीब सा लग रहा है, थोड़ा गोल्डन जो कलर है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वायरिंग भी उसके नीचे यहाँ पे आ गई है। और ना ये मीटर, ये भी बंद हो गया भाई, पता नहीं इतने दिन खड़ा रहा क्या क्या हो गया भाई इसके साथ। लेकिन भाई जैसे धो के खड़ा करा था कवर के अंदर बिल्कुल वैसे ही निकला है, बिल्कुल चकाचक। तो ये मेरा प्लान है कि ये स्ट्रिप्स जो हैं इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कौन सी पसंद आती। बाकी अपना मोटो डिटेलों का लोगो वो भी बदलूंगा मैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा हो गया, उस पर स्क्रैच वगैरह भी आ गए हैं। बाकी जैसे प्लान्स रहते हैं आज के से करते हैं। तो आगे आपसे मिलते हैं ब्लॉग में। देखो यहाँ पैनल अपना पड़ा हुआ, यहाँ पे अपने मिसिंग प्रॉब्लम जो है उसकी जेट खोले जा रहे हैं। कल जेट खोलना है, ये देखिए कार्बोरेटर से जेट खोले जा रहे हैं। अब नए जेट इधर से उठा के अंकल जी लगाएंगे, तब देखते हैं एवरेज में। और अब ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल अवेलेबल मार्केट में नहीं होते हैं, तो ये पुराने स्कूटर के कार्बोरेटर से, मतलब अच्छे जेट हैं, पुराने स्कूटर के कार्बोरेटर से निकाल के इसको लगा रहे हैं अंकल जी। तो देखते हैं, लग तो जाएंगे। अब अंकल जी चेक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है कि नहीं है, ज़्यादा होल बड़ा तो नहीं है। पुराने हैं तो ये हैं अपने दोनों जेट। चलो इसको उठाते हैं। ये देखिए अब ब्लैक हो चुका है, ये अपना स्लो जेट है, वो वाला अपना फास्ट जेट है। ये देखिए कितना खराब हो गया। सब काम हो चुका है, अब इसको फिट करा जा रहा है सब कुछ। टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है इसकी। चलिए फिट हो जाता है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। अरे शौक है गाड़ियों का। सब काम हो चुका है, अब यहाँ से चल रहे हैं अपने लोग आगे। तो भाई वहाँ से हम लोग आ ही रहे थे तो यहाँ पे कुछ खटपट की आवाज़ आने लगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो पट्टी मैंने वेल्ड करवाई थी वो टूट चुकी है और ये खटपट पूरा हिला है। अभी लगा के आपको दिखाते हैं कैसा ये लुक दे रहा है। तो अब देखो भाई ये कितना बाहर आ चुका है, वो वाला देखो अंदर कितना है, ये देखो कितना बाहर। तो चलो भाई हम लोग काम इसका भी करवाते हैं चल के। तो चलो सबसे पहले ये करवाते हैं, वरना ये तो गिर ही जाएगा कहीं पे। तो भाई जुड़ तो गया, लेकिन एक गलती करी हम लोग, वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कहीं और ध्यान था, मतलब टूट गया था इसी पे ध्यान था। तो ये यहाँ से वेल्ड हो चुका है और ये पत्ती इसको सही कर दिया गया है, इस पर कलर मार देंगे तो ताकि ये फिर से जंग खा के टूटे ना। अब बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है, चलो लगा के दिखाते हैं आप। तो अब आप देख सकते हो पहले के मुकाबले बिल्कुल ओके रिपोर्ट आ चुका है। अब तो चलते हैं, अब अपना अगला काम करवाते हैं चलिए।